नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आज हम सभी जानेंगे गठिया रोग को दूर करने के लिए आसान से घरेलू उपायों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि गठिया के दर्द से निजात पाने के लिए पत्ता गोभी का प्रयोग किया जाता है, तो आइए जानते हैं आज हम सभी इसी बारे में। बहुत ही अच्छी औषधि है गठिया रोग में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गठिया की बीमारी लगभग सभी को अपने चपेट में ले ही लेती है। पहले तो ये बीमारी केवल ज़्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन आजकल ये बीमारी 30 साल के उम्र वालों को भी अपना शिकार बना रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है आजकल का लाइफस्टाइल। गठिया का दर्द बड़ी ही जानलेवा होता है, और सबसे बुरी बात तो यह है कि इसके दर्द का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। गठिया रोग को आमवाद, संधिवाद इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस रोग में सबसे पहले शरीर में निर्बलता और भारीपन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। गठिया के कारणों को जानते हैं। उम्र बढ़ने पर अक्सर लोगों को गठिया की शिकायत होने लगती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बॉडी में यूरिक एसिड की अधिकता होना होता है। जब बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो वह शरीर में जोड़ों में छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है। इसी कारण से जोड़ों में दर्द और ऐंठन होती है। गठिया को कई स्थानों पर आमवात भी कहा जाता है। गठिया के लिए बेहतरीन है पत्ता गोभी। जी हाँ, पोषक तत्व। पत्ता गोभी एक पोषक पत्तेदार सब्जी है। इसमें फाइबर, फोलेट, तांबा, विटामिन B1, पोटेशियम, मैग्नीज, विटामिन B, C और K भी पाया जाता है। इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हाँ, आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। जी हाँ, और भी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पेंटोथेनिक एसिड, नियासिन और फास्फोरस भी पाया जाता है। पत्ता गोभी का उपयोग खिंचाव, मोच, सूजन, अल्सर, चोट, अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द के उपचार में किया जाता है। इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। एंटी इन्फ्लामेंट्री गुणों से ये भरपूर होती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेंट्री कारक होते हैं। यह उपचार कई लोगों पर असर कर चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि पत्ता गोभी की पत्तियां गठिया के दर्द को कम करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गठिया के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। लेकिन इसका सेवन आपको किस प्रकार से करना है, इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। जी हाँ, यह कितना प्रभावी है या नहीं, यह नहीं पता, लेकिन एक बार इसका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, विशेष रूप से तब जब आप गठिया के दर्द से पीड़ित हों। परंतु सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें या सलाह ले लें किस तरह से उपयोग करें। आइए जानते हैं। सबसे पहले बाज़ार से गोभी की ताज़ा पत्तियां लाएं और उन्हें प्लास्टिक बैग में रख दें। इन्हें फ्रिज में रख दें। जब गठिया का दर्द शुरू हो तो गोभी के पत्तों को फ्रीजर से निकालें और उन्हें प्रभावित जगह पर लपेट लें। एक टॉवेल लें और उसे गोभी के पत्ते के ऊपर लपेट दें। इसके बाद आपके शरीर की गर्मी से गोभी के ठंडे पत्ते गर्म हो जाएंगे और इस प्रक्रिया के दौरान पत्ता गोभी में उपस्थित कुछ यौगिक आपकी त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं। इस उपचार से यूरिक एसिड के कण घुल जाते हैं, जो गठिया के दर्द का मुख्य कारण है। कम से कम उस भाग की सूजन कम हो जाती है। प्रभावित स्थान पर यह काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। यदि आपके तलवों में सूजन है तो गोभी की पत्तियों को उस स्थान पर लपेट करके रखें और 30 मिनट तक पैरों को ऊपर की ओर उठा करके रखें। इससे काफ़ी आराम मिलता है। इससे सूजन कम हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा। पत्ता गोभी की पत्तियों को फ्रीजर में रखने के बजाय केवल उन्हें अच्छे से बेलन से दबाएँ। ऐसा करने से पत्तियों की सतह पर दरारें बन जाती हैं और उसमें से रस निकलता रहता है और आपको काफ़ी आराम मिलता है। एक फ्राइंग पैन पर पत्तियों को गर्म करें। इसे बहुत अधिक गर्म न करें। कपड़े की सहायता से पत्तियों को जोड़ों पर बांध दें। इसे लगभग 45 मिनट बाद पत्तियों को निकाल दें। आपको जोड़ों के दर्द से आराम मिल चुका होगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसमें कुछ सावधानी भी रखें। जी हाँ, यदि आपके पैरों को पत्ता गोभी से एलर्जी होती है या आपको खुजली होती है तो पत्तियों को तुरंत निकाल दें। हो सकता है आपको इससे एलर्जी हो। इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। जी हाँ, जो भी हम आपके लिए जानकारी देते हैं, इसके लिए आप सभी जानते हैं कि
प्राकृतिक होममेड रेमेडीज हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता है। फिर भी किसी किसी को होता है कि किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी होती है, तो वैसे लोगों को अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श ले लेना चाहिए। और अगर आप नॉर्मली स्वस्थ हैं और हर चीज़ का सेवन आसानी से कर पाते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टार्टिंग कम से कर लीजिए, यानी कि कम मात्रा में सेवन स्टार्ट कीजिए, इसके बाद बढ़ाते जाइए धीरे धीरे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना लाभकारी है आप सभी के लिए। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।